बात सुनाते हैं, सुनकर कथा परीक्षित राजा होत शाम घर आते हैं। भैया इतबाश करो खिसियाई, अरे तबही धीर बने मेरे दिल में, अरे जब हो नवल पालो, लोक पालो और मेरे नागवंश के नाग पुत्रो, आज हम सभा के बीच बीड़ा डालते हैं कि ऐसा कोई नागवंशी है जो बीड़ा को चबाए और परीक्षित को डसे और नवलदेव को दिए गए हमारे वचन को पूर्ण करे। क्या सभा में कोई नागवंशी नहीं है? नहीं महाराज, मैं चबाऊंगा और मैं डसूंगा परीक्षा। ठीक है तो जाओ और परीक्षित को डस कर आओ। अच्छा महाराज, मैं चलता हूँ। अरे कारो आज चलो गजपुर को, बनो है
नागराज, क्या अपना काम कराए? नहीं महाराज, काम तो हम नहीं करके आए हैं। क्यों नागराज? महाराज, हमें वहाँ पीने को दूध मिला और हमने दूध पी लिया, और महाराज जिसका खा लिया जाता है उसके साथ नमक हलाली नहीं की जाती, इसलिए परिचर को नहीं दसा महाराज। मूर्ख, तो हमारा कोई काम नहीं करके आए, इसलिए हम सभा में दोबारा बीड़ा डालते हैं, कोई इसे चवाए और हमारे वचन को पूरा करे। जी पिताश्री, मैं चबाऊंगा बीड़ा और मैं देखता हूँ कि परिचर मेरे जहरीले तेज के आगे कैसे बच पाता है। ठीक है पुत्र, तो चबाओ बीड़ा और जाओ परिचर को मृत के हवाले कर दो, तभी हमारा नवलदे को दिया वचन पूरा होगा। अच्छा पिताश्री, तो मैं चलता हूँ।